हेलो गाइस वेलकम टू रॉबर्टेश आज हम अपनी आर्डविनो वन ओ वन सीरीज जो बिगिनर्स के लिए है उसकी सेकंड वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम एक बजे को कंट्रोल करेंगे एक पुश बटन स्विच की मदद से काफी बेसिक सा प्रोजेक्ट है ये एंड हम इसका साथ में कोड भी अच्छे से समझेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो गाइज अब हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और उसके लिए देखते हैं हमको सबसे पहले क्या क्या चाहिए तो सबसे पहले हमको एक आर्डविनो बोर्ड चाहिए उसके बाद हमें एक ब्रेड बोर्ड चाहिए एक USB ए टू बी वाला कनेक्टर जिससे हम कोड अपलोड करेंगे एक पुश बटन एक बजर दो रजिस्टर्स एक थ्री थर्टी ओम का एंड एक टेन किलो ओम का और कुछ कनेक्टिंग वायर्स तो गाइज अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए कि आप हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना करें हमारी वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं वहां पर आपको हर प्रोजेक्ट का फ्री ई बुक और आर्टिकल मिल जाएगा उसका कोड और स्केमेटिक भी वहीं पर है एंड प्रोडक्ट्स के सारे लिंक्स भी वहां पर आपको मिल जाएंगे तो हमारी वेबसाइट को जरूर चेक कीजिएगा तो हम प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको आर्टविनो चाहिए अपना एंड ब्रेड बोर्ड तो जैसे हमने अपना ब्रेडबोर्ड और आर्ड ले लिया है अब हम अपने कनेक्शन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमको अपना बजर कनेक्ट करना है इस बजर में आप देख रहे हैं पॉजिटिव का निशान है यहाँ पर नहीं तो आप पिन के साइज से देख सकते हैं जो पिन बड़ी है वो पॉजिटिव है अब मैंने इसे अच्छे से कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि हमको पिन देखने में फिर आसानी रहेगी तो सबसे पहले हमको अपने बजर के नेगेटिव को ग्राउंड से कनेक्ट करना है एंड जो पॉजिटिव वाली साइड है उसे हम आर्डुइनो की पिन नंबर नाइन से कनेक्ट कर देंगे तो इसके बाद हम ग्राउंड का कनेक्शन बना लेते हैं एक बार हमको ग्राउंड को ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देना है अब हमको दूसरी साइड अपना पुश बटन स्विच लगाना है तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा प्लग करने के बाद कि अच्छे से प्लग हो गया है तो मैंने अपना पुश बटन स्विच कनेक्ट कर दिया अब हमको पुश बटन स्विच में एक टेन किलो ओम का रजिस्टर लगाना है एंड उससे ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्राउंड के बीच में जो कनेक्शन है वो यहाँ पे मैंने कर दिया है कि दोनों ग्राउंड रेल्स को ये कनेक्ट कर दे आपस में ओके सो हमने रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है एंड वहीं से उसी उसी वाले पॉइंट से मतलब उसी रेल में से कहीं से आपने एक और वो लेना है एंड उसको पिन नंबर सेवन में कनेक्ट कर देना है आडोविनो की एंड हमको एक फाइव वोल्ट का कनेक्शन बनाना है तो हम फाइव वोल्ट वाली रेल से उसमें कनेक्ट कर देंगे एंड अपने पुश बटन स्विच को भी एक पावर इनपुट दे, दे देंगे फाइव वोल्ट वाली रेल से तो हमारा अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया बस हमें इसमें एक बार कोड अपलोड करना है और देखते हैं फिर तो हम एक बार अपने कोड को देख लेते हैं तो सबसे पहले हमको दो इंटीजर डिफाइन करने हैं जिसमें हमने अपनी पिन की इन्फॉर्मेशन देनी और तो हमारा जो बजर है वो पिन नंबर नाइन से कनेक्टेड है तो मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया जो कि कॉन्स्टेंट रहेगा एंड उसकी वैल्यू नाइन दे दी एंड जो हमारा बटन है वो पिन नंबर सेवन से कनेक्टेड है एडू की तो मैंने यहाँ पर सेवन वैल्यू दे दी एंड वो भी एक कॉन्स्टेंट है वो चेंज नहीं होगा तो इनिशियली हमने एक और इंटीजर डिफाइन किया है जो बटन स्टेट के नाम से है एंड उसकी वैल्यू जीरो है तो अब हम अपने सेटअप फंक्शन में आते हैं हमने सबसे पहले सीरियल मॉनिटर ऑन किया जो हमारा बजर है वो एक आउटपुट है तो हमने उसको डिफाइन किया जो हमारा बटन है वो एक इनपुट है तो हमने उसको एक एज ए इनपुट डिफाइन किया उसके बाद हम अपने लूप फंक्शन में देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने बटन की स्टेट रीड करेंगे वो एक डिजिटल रीड फंक्शन के थ्रू है जो आर्डू का एक इनबिल फंक्शन है यहाँ पर हमने अपनी बटन पेन जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया था वो मेंशन कर दिया है उसके बाद हम एक फेल्स फंक्शन लगाएंगे तो यहाँ पर जो हमने बटन स्टेट डिफाइन किया अगर उसकी वैल्यू हाई आती है तो हमारा बजर टोन करेगा ये एक टोन भी आडुन बिल्ड फंक्शन है जिसमें सबसे पहले हमको जो पिन नंबर है वो डालना होता है एंड उसके बाद उसकी वैल्यू तो मैंने यहाँ पर पिन नंबर का जो वेरिएबल है वो डाल दिया है एंड वहां पर उसके बाद उसकी वैल्यू डाल दिया जो कि थ्री थाउजेंड है आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपको अपने बजर की टोन हाई चाहिए या लो चाहिए उसके बाद हमने सीरियल मॉनिटर में एक लाइन प्रिंट करी है जो बजर ऑन है जो हमारा बजर साउंड करेगा तो वहां बजर ऑन भी लिखकर आ जाएगा हमारे सीरियल मॉनिटर में पर अगर ऐसा नहीं होता है यानी कि हमारा बटन बटन की स्टेट है वो हाई नहीं है वो लो है तो नो टोन फंक्शन काम करेगा जिसमें कि बजर कोई साउंड नहीं करेगा एंड हमारे सीरियल मॉनिटर में एक लाइन प्रिंट होगी जहां पर बजर ऑफ लिखा होगा तो गाइस ये सिंपल सा कोड था आई होप कि आपको समझ आ गया होगा तो हम एक बार कोड अपलोड कर देते हैं इसमें तो मेरा कोड अपलोड हो गया है एक बार आप इसे रीसेट कर सकते हैं इस बटन को प्रेस करके एंड फिर अपने पुश बटन स्विच को दबा के देखिए तो यहां पर हमारा बर्जर साउंड कर रहा है तो गायज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी वैल्यू दिख रही है आप वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही गायस मिलते हैं अगली वीडियो में